प्रदेश बरेली से जिला संवाददाता शैलेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। दबंग प्रधान द्वारा निर्धन दलित महिला पर घोर अत्याचार। उसी थाना क्षेत्र के चौकी इंचार्ज द्वारा विपक्षियों के साथ साठ गांठ कर निर्धन महिला व उसके पति का उत्पीड़न। इंदिरा आवास के अंतर्गत मिलने वाली 3.5 लाख रुपए धनराशि विपक्षी प्रधान द्वारा हड़प लेने का आरोप। न्याय के लिए काफी समय से भटक रही ये दलित महिला जबरन पैसा छीनकर बदले में एक जर्जर अवस्था कमरा बनवा कर दे दिया, जिसका लेंटर गिरने की अवस्था में मौजूद है। थाना सिरौली क्षेत्र के ग्राम ताखा सुकटिया निवासी दलित महिला विमलेश पत्नी दिनेश वाल्मीकि आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय बरेली गुहार लगाने पहुंची, क्योंकि दलित महिला द्वारा विपक्षी दबंग प्रधान के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया था, तो संबंधित चौकी इंचार्ज विपक्षियों के साथ मिलकर दलित परिवार पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाए हुए हैं। एसएसपी ऑफिस बरेली पहुंची महिला ने आरोप लगाया कि नवाबदुरा चौकी प्रभारी मुकदमा वापस न लेने पर उसके पति को झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दे रहा है, और कुछ समय पहले से जब विपक्षियों ने दलित महिला व उसके पति का घर में घुसकर बेरहमी से मारा पीटा था, तब महिला द्वारा इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया, परंतु सरकारी पैसे का दुरुपयोग व दलित परिवार के साथ नाइंसाफी करने वाले प्रधान के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि संबंधित चौकी प्रभारी न्यायालय से आए वारंट समन भी वापस कर देते हैं। क्या नाम है आपका? विमलेश। विमलेश कहाँ से आई हो? सुकटिया। और थाना क्या है आपका? सिरौली। क्या दिक्कत है जो आप ग्राम प्रधान पर आरोप लगा रही हो? क्या हुआ था आपके साथ? लोहिया आवास मिला होना। लोहिया आवास में आपको मकान मिला था, फिर क्या हुआ? तो वो 3.5 लाख रुपए मिला जी, तो वो प्रधान ने ले लिया बैंक में। वो पैसा प्रधान ने ले लिया, कितना था? 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपया था, फिर क्या हुआ? फिर हमने बोले अपने माध्यम से बनवाओगे तो तुम्हारे पति को जेल भिजवा देंगे। अच्छा, बोले अगर अपने माध्यम से बनवाओगी तो तुम्हारे पति को जेल भिजवा देंगे। फिर आपने क्या किया? हमने उनको रुपया फिर उन्होंने हमसे छीन लिया, उन्होंने थोड़ा सी जगह हमें बनवा देंगे। अच्छा जी, लोगों से आ रही और ददारा खिल रही है। जी 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 जी। हमारे पति उनके घर गए शिकायत करने को, हमारा वो लेंटर सेंटर। आप एक दलित महिला हैं? किस जाति की हैं आप? बाल्मीकि। अच्छा, दलित महिला है, बाल्मीकि जाति की हैं। और जो विपक्षी लोग हैं प्रधान लोग, वो लोग किस जाति के हैं? यादव। यादव हैं। अब क्या समस्या है? आप यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय बरेली आई हैं? हमें वो कहते हैं फैसला करो, हमने मुकदमा डाल दिया उनसे। अच्छा जी, तो नो कहते हैं फैसला करो नहीं तेरे पति को जान से मार देंगे हम। तो जो मकान का पैसा आपसे लिया था वो मकान बना के दिया? दिया, थोड़ी सी जगह दिया, वो चिट्ठी आती है टूटे गिर रहा है। मतलब खस्ता हाल मकान बना के दे दिया आपको? हाँ। जो बेकार है बिल्कुल। हाँ, बेकार है। और जब इस बात का आपने विरोध किया तो आप लोगों के साथ मारपीट की? मारपीट ही, हमारे घर वाले मारे, फिर हमारे घर आकर उसने मारा पीटा हमारे पति को। इस मामले में आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई? सब काम करवा दिया। अच्छा जी, हमने मुकदमा डाल दिया। आज आप यहाँ एसएसपी बरेली ऑफिस आई है, आज क्या दिक्कत है? आज दिक्कत है रास्ते में नहीं घेर लेते हैं, मार पे तोड़ रहे हैं, ज्यादा शराब पी के गाली दे रहे हैं जी, और कह रहे हैं फैसला करो, नहीं फैसला कराओगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। क्या नाम है विपक्षी प्रधान का? स्वराज लद्धन, उनके भाई का नाम है लद्धन जी, और स्वराज नाम है प्रधान का। अच्छा जी, अच्छा। और मित्रपाल और रामकरण चार भाई होंगे। अच्छा, जैसा कि आप बता रही हो कि संबंधित थाना पुलिस के एक उप निरीक्षक भी कोई अभद्रता कर रहे हैं, कोई अभद्रता कर रहे हैं पुलिस वहाँ के आपके साथ? पुलिस वाले सब डर के मारे जा ही नहीं रहे हैं। अच्छा जी, तो उन्हें यादों के डर के मारे। अच्छा जी, अच्छा जी, याद उन्हें मार चुके हैं तो वो डरते हैं पुलिस वाले। मतलब बहुत दबंग टाइप के लोग हैं। हाँ, आप कहना चाहती हो कि पुलिस भी घबराती है? हाँ, बहुत दबंग आदमी है, ना जा हथियार लेकर घूमते हैं गाँव में। मेरे पति घर से भाग गए डर के मारे।